हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक प्रैक्टिकल टॉपिक लेके बात करेंगे, वो है कि गाड़ी का जो स्पीड है, हर गाड़ी की स्पीड कंट्रोल के लिए आरटीओ से कुछ रूल्स होता है। सो मैं एक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो है टाटा के 407 में खड़ा हूँ और उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उतना हैवी कुछ नहीं है जैसा अभी का जो CIS और CIDI सिस्टम में मिलते हैं, बट स्पीड कंट्रोल के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा है। तो उसका कैसे इंस्टॉलेशन होता है या आपको चेक कैसे करना है बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको मैं आज डिटेल्स बताऊंगा। तो आप जानते होंगे जो ओवर स्पीड गाड़ी का ओवर स्पीड के लिए बहुत सारे रोड में एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए या गाड़ी को रोड में जब लोड लेके चलता है तो ज़्यादा अच्छा स्टेबल देने के लिए तो स्पीड को रोकना यानी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। वो स्पीड कंट्रोलर जो है कैसे स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तो उसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको गाड़ी का जो स्पीडोमीटर रहता है गियर बॉक्स में, उस स्पीडोमीटर से आपको एक कनेक्शन स्पीड कंट्रोलर जो माइक्रो कंट्रोलर है माइक्रो कंट्रोलर तक आता है, तो उससे वो समझ जाता है जो मिनी ट्रक का जो चल रहा है गाड़ी उसमें उतना आउटपुट स्पीड कितना है, तो वो उसी हिसाब से फ्यूल को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है टाटा 407 की एक मिनी ट्रक मॉडल है। मिनी ट्रक में आप देख रहे हैं, ये जो आपको देख रहे हैं ये है स्पीड कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है। मिजो कंपनी का है स्पीड लिमिटेशन डिवाइस। यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया गया, जो ये जो माइक्रो कंट्रोलर या ये जो स्पीड कंट्रोलर जो बॉक्स है, ये बॉक्स का चारों तरफ का डेफिनेशन क्या है और क्या क्या कंपोनेंट है चारों तरफ, और ये इसका जो है मैन्युफैक्चर आइडेंटिफिकेशन प्लेट नंबर है, मॉडल ME-12FC है, और ये जो सप्लाई वोल्टेज इसमें देना पड़ता है 12 वोल्ट, और ये जो सीरियल नंबर है ये सीरियल नंबर 67687, और ये जो सील देख रहा है ये सील जो है वो बिल्कुल RTO से लग किया था, यानी इसमें सेट किया हुआ है स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड गाड़ी का हो जाएगा उस समय आपको फ्यूल कंट्रोल हो जाएगा, यानी गाड़ी की स्पीड को आगे बढ़ने नहीं देगा, फ्यूल कंट्रोल करेगा ये बॉक्स। सो ये बॉक्स में ज़्यादा ह्यूज कुछ कनेक्शंस नहीं है, सिंपल ये बॉक्स है जो RTO को द्वारा स्पीड सेट किया है, उसका टैग भी लगा दिया है यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे तो RTO लिखा भी है, उसका कुछ कोड नंबर भी दे दिया। तो ये जो जितना सारे सेटिंग के लिए आपको जो ये देख रहे हैं नॉब वगैरह है सारे आपको सील कर दिया। यहाँ भी देखिए सेटिंग के लिए जो नॉब स्पीड सेट के लिए या फ्यूल सेट के लिए, बाकी सब सील कर दिया। तो हमको सिंपली क्या करना है, ये जो पावर वायर जो है ये सॉफ्टवेयर बॉक्स को पावर सप्लाई के लिए, ये काफ़ी पुराना है इसलिए काट के इसको, क्योंकि सॉकेट में प्रॉब्लम था। तो सिंपली गाड़ी से जो सॉकेट आ रहा है उस सॉकेट के साथ इसमें 12 वोल्ट के पावर सप्लाई दे देना है। यहाँ से 12 वोल्ट के पावर सप्लाई करने के बाद जैसे आपको इग्निशन स्विच जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेड लाइट ग्लो करने लगेगा। तो पावर कनेक्शन ऑन होने के बाद आप यहाँ पे जहाँ पे फ्यूल कनेक्शन लगेगा वहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है आउट, यानी फ्यूल आउट हो जाएगा इस डिवाइस से, और यहाँ पे लिखा है नीचे फ्यूल इन। तो यहाँ इस तरफ जो पोर्ट है यानी ये जो होस देख रहा है फ्यूल होस, ये इन का है और इस तरफ का जो पोर्ट है वो आउट में लगेगा। तो इन पाइप कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आपको सिंबल जैसा पहले दिखाया था यहाँ पे लिखा है, देखिए इन पाइप जो आ रहा है वो गाड़ी में जो फ्यूल फिल्टर, प्राइमरी फ्यूल फिल्टर या सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर जो भी हो, फ्यूल फिल्टर से फ्यूल फिल्टर होने के बाद पाइप आएगा, फ्यूल होस आएगा, आके इस डिवाइस में इन होगा। यहाँ पे इन लिखा है, जस्ट आप देखिए इन लिखा है, और जैसा इन हुआ देन इसके बाद अंदर माइक्रो कंट्रोलर होके ये पाइप फ्यूल जो होस है ये होस देखिए फ्यूल होस जाएगा आउट के लिए। ये सीधा आउट होकर कहाँ जा रहा है, आपको सीधा जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है ये वाला पाइप, तो फ्यूल इंजेक्शन पंप की तरफ जा रहा है। तो सिंपली है इन जो पाइप होस है फ्यूल होस वो आएगा फिल्टर से, एंड आउट जो होगा वो होगा आपको डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन पंप तक। सो इसी तरह जैसा गाड़ी चलता है तो व्हीकल स्पीड जो है वो यहाँ पे सेंस होता है इस डिवाइस के अंदर। व्हीकल स्पीड सेंस होने के बाद ये डिवाइस जैसा 60 में सेट किया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, अगर 60 किलोमीटर पर आवर से ओवर हो रही स्पीड यानी 60 किलोमीटर पर आवर तक ये बराबर फ्यूल सप्लाई करेगा। जैसा 60 किलोमीटर तक स्पीड रीच हो गया यानी स्पीड पहुंच गया, उस समय ये फ्यूल को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। तो क्या करेगा, फ्यूल को ज़्यादा फ्यूल सप्लाई नहीं करेगा ताकि आपको स्पीड 60 का नीचे या 60 तक बराबर बने रहे। तो इसी तरह ये फ्यूल कंट्रोलर काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दबा दें ताकि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन यहीं से आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।